हाय फ्रेंड्स, दिस इज रवि एंड इस वीडियो में हम फैक्टर करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के फैक्टर्स है, आइए एक एक करके दोनों को सीख लेते हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल वाला करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट वाला करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 18। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 18। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें बीच वाले को दो भाग में बांटना है, दो अलग अलग पार्ट में बांटना है, जिसको प्लस या फिर माइनस करें तो ये 11 आना चाहिए एंड अगर मल्टीप्लाई करें तो 80 आना चाहिए। ठीक है, तो मैथ में एक सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कहते कुछ और करते कुछ और। ठीक है, तो देखते हैं कहते हैं क्या और करते हैं क्या। लेट्स सपोज आपको बोल दिया जाए कि 3 प्लस माइनस 3 प्लस 5, इसको आप घटाइए, तो कैसे घटाएंगे आप, इस पे आपको घटाने के लिए बोला जा रहा है फिर आपको जोड़ने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे आप। तो बोला कुछ भी जाए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसमें चिन्ह किस किस चीज का है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से हम ऑब्वियसली 3 घटाएंगे तो आएगा कितना, 2। ठीक है, तो कुछ भी कहा जाए मैथ में ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि वहां पर उस सिचुएशन क्या हो रही है। ठीक है, तो अगर वहां पर सिचुएशन जो होगी उसी सिचुएशन के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये सिचुएशन कैसे आती है। आइए देखते हैं इसे। तो 11 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि प्लस या फिर माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 11, और अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जब भी कभी आए तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है, जो ऐसे लिखा होता है, उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के बाद हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि बीच वालों को कैसे बांटना है। ठीक है, तो 80 है, इसको हम फैक्टर कर लेंगे, 80 का करेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो पूरा ही कट जाएगा। तो मतलब इसका फैक्टर क्या है, 2 into 2 into 2 into 2 into 5। ठीक है, तो अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, इन अंकों को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस और माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 11, और मल्टीप्लाई करें तो 80 आना चाहिए। तो ठीक है, तो आइए इसको करके देखते हैं। 2 into 2 into 2 into 2 into 5, ठीक है, 2 2 4 2 8 2 16 16 5 80। ठीक है, तो अगर हम 2 और 2 2 3 2 2 4 2 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 and 10, अगर 8 में से 10 घटना तो 2 आता है, फिर भी 11 नहीं होगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो क्या लेते हैं, इसको इसको और इन तीनों को ले लेते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 माइनस 5, अगर 16 में से 5 घटा देते कितना आता है, 11 आता है। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 माइनस 80। ठीक है, तो अभी हम यहां पर देखें, इसको प्लस या माइनस करते हैं, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 16 में से 5 घटाएंगे, 5x घटाएंगे तो कितना होगा, 11x होगा, और मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो 16 इंटू 5 क्या होगा, 80। ठीक है, तो ऐसे ही बीच को ऐसे दो भागों में बांटना है, बीच वाला जो पार्ट है उसको ऐसे दो भागों में बांटना होता है कि लास्ट वाला डिजिट आना चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करें तो वही डिजिट फिर से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस या माइनस कर रहे हैं तो यही डिजिट आ रहा है दोबारा से हमारा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट वाला डिजिट आ रहा है। ठीक है, तब इसको हम दो दो टर्म्स में अलग अलग बांट लेंगे। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में देखेंगे क्या कॉमन है, इसमें हम एक्स कॉमन लेते थे, क्या बचेगा, एक्स माइनस 16 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम प्लस का 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 16 यहाँ पर भी बचेगा। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है,
दोनों में देखेंगे तो x माइनस सिक्स इधर भी कॉमन है और x माइनस सिक्सटीन इधर भी कॉमन है, तो हम x माइनस सिक्सटीन कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचा हमारा, इधर x बचा और यहाँ पर 5, तो x प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं पहला वाले कैसे करेंगे। पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 5x² + 16x + 3, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर x के साथ में कोई भी गुणांक नहीं था, कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर ओनली x स्क्वायर है। और यहाँ पर देखें यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में 5 भी मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए कि ये वाला जो x स्क्वायर है इसके साथ में कुछ नहीं हो, तो बीच वाले को हम बस फैक्टर करके आराम से, और जब इसके साथ में कोई गुणांक है, कोई मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 3 कितना होता है, 15 होता है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये बस हमें माइंड में रखना होता है, ठीक है। तो 5 3 15 होता है। अब बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करें कि प्लस या फिर माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो 15 आना चाहिए, ठीक है। जब भी कभी x के साथ में ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो, ऐसा गुणांक हो, तब ये सिचुएशन क्रिएट होती है और तब हमें ऐसा करना होता है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितना आता है वो हम माइंड में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं कि उतना आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। अब जो भी आता है बीच वाले पार्ट को ऐसा दो भागों में बांटेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो वो वाला आना चाहिए जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, और अगर प्लस या माइनस करें तो बीच वाला ही आना चाहिए, ठीक है। तो 16 को ऐसे कैसे दो भागों में बांट सकते हैं, देखते हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 5x² + 15x + x + 3, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखें तो 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 15 होगा, जो कि 5 3 15 ये आया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला डिजिट आ रहा है, और प्लस या फिर माइनस करते हैं, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस और प्लस प्लस ही होता है, माइनस करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। तो 15 + 1 कितना होता है, 16, हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, वो डिजिट आता है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब आगे फिर से वही प्रोसेस करेंगे, दो दो टर्म्स बांट लेंगे आपस में। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें हम देखें तो 5x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ओनली x बचेगा, प्लस यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या बचेगा, फिर यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। 5 3 15 होता है, अगर फिर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हम ठीक से देखें तो 1 कॉमन है, x + 3, ठीक है। अब पूरे में देखेंगे क्या कॉमन है, पूरे में देखेंगे तो x + 3 कॉमन है, तो x + 3 कॉमन ले लेंगे। बचा क्या हमारा, 5x + 1, ठीक है। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर x के साथ में कोई गुणांक नहीं है तो हम इजीली बीच वाले को फैक्टर करके ऐसे निकाल लेंगे उसका फैक्टराइज, ठीक है। अगर अगर x के साथ में कोई फैक्टर है, कोई गुणांक है, तब हमें पहले उस गुणांक का इस लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी डिजिट आता है वो हमें दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है, मेंशन नहीं करना है, बस बीच वाले पार्ट को ऐसे ही फिर दो भागों में बांटना है जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।